हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लैब्स एंड ट्रिक एजुकेशन। आज इंग्लीश रा मॉक टेस्ट 21 को प्रैक्टिस करिबा। जो माने पूर्व मॉक टेस्ट ओडी का देखि नांते 1 टू 20 पर्यंत प्लेलिस्ट अछि जाई कि देखि परिबे। चालन तो आउ देरी करिबानी, आज रा मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर देबा। क्वेश्चन नंबर 1 देखंतु। क्वेश्चन नंबर 1 देछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तले इमानक मधरु केउटे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहि। ऑप्शन ए गुडनेस, ऑप्शन बी यूथ, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ना ऑप्शन डी पॉवर्टी। गुडनेस होछि गोटे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कारण गुडनेस एक क्वालिटी को बुझौछ, सेथिमे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिजिव। सो ऑप्शन ए एलिमिनेट हिगला। ऑप्शन बी यूथ, यूथ इज द नेम ऑफ ए स्टेट, बुझौछ जेहेतु नेम ऑफ ए स्टेट होछि सेथिमे ये मध्ये गोटे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिगला। ऑप्शन सी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट होछि गोटे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहि, पार्लियामेंट होछि गोटे प्रॉपर नाउन। सो हर करेक्ट आंसर सेठी होछि ऑप्शन सी। ऑप्शन डी पॉवर्टी मध्ये एलिमिनेट हिजिव। पॉवर्टी होछि गोटे अवस्था को सूचित करूछि, बुझौछ स्टेट बा कंडीशन को सूचित करछि, सेथिपाय ये होछि गोटे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिजिव। एब्स्ट्रैक्ट नाउन काहा को कहा जाय कहिले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होछि इट इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द व्हिच इट बिलोंग्स। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन बुझि पाले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होछि क्वालिटी, एक्शन किंबा स्टेट को बुझेले सेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिजिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। एबे क्वेश्चन नंबर 2 देखंतु। क्वेश्चन नंबर 2 देछि, सीता और हर ब्रदर्स डास टू बी ब्लेंड, डास टू बी ब्लेंड। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन सी आर, ना ऑप्शन डी वाज। एहर करेक्ट आंसर सेट हिजबा ऑप्शन सी आर। काहेकि ऑप्शन सी आर हला, काहेकि प्लुरल वर्ब रा यूज हला कहिले, काहेकि देखंतु ऑल लागी जाइछ, और परे कोन अछि, और परे हर ब्रदर्स अछि, जेहेतु और परे प्लुरल नाउन रहि गला सेति पय प्लुरल वर्ब रा यूज हेके आ रहि गला। सीता और हर ब्रदर्स आर टू बी ब्लेंड। ऑप्शन ए बी डी एलिमिनेट हिबे, काहेकि ना माने सिंगुलर भ भेले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देछि, द प्लुरल फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन माई इज, पर्सनल प्रोनाउन माई र प्लुरल फॉर्म टी कौन। ऑप्शन ए वी, ऑप्शन बी मी, ऑप्शन सी आवर, ना ऑप्शन डी अस। माई पर्सनल प्रोनाउन र प्लुरल फॉर्म टी होछि आवर हिजबो। सो एर करेक्ट आंसर टी होछि ऑप्शन सी। ऑप्शन ए बी डी एलिमिनेट हिजबे, आपण माने जानिथिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। एबे क्वेश्चन नंबर 4 देखंतु। क्वेश्चन नंबर 4 देछि, दिस बुक इज माइन, द अंडरलाइन वर्ड इज डैश प्रोनाउन। ऑप्शन ए नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव प्रोनाउन जोटा सेटा होछि सब्जेक्टिव। ऑप्शन बी पजेसिव, ऑप्शन सी एक्यूजेटिव, ना ऑप्शन डी नॉन। एहर करेक्ट आंसर टी हिजबो ऑप्शन बी पजेसिव। देखंतु अंडरलाइन वर्ड टी माइन देछि, एही बुक टी होछि मोर, तो मु पजेस करूछि जे एही बुक, एही बुक रो अधिकारी होछि मु, बुझियौछि एही बुक रो अधिकारी होछि मु। दिस बुक इज माइन, बुझौछे सेति पई पजेसिव प्रोनाउन हिजबो। ऑप्शन ए सी डी एलिमिनेट हिजबे। एक्यूजेटिव जोटा सेटा होछे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देछि, जॉन गेव मी 7 मैंगोस। इन दिस सेंटेंस एडजेक्टिव इज डैश। ऑप्शन ए गेव, ऑप्शन बी जॉन, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी मैंगोस। मैंगोस तो नाउन हिगलानी, बुझियला मैंग केतोटी मैंगो ना 7 मैंगोस, जेहेतु 7 पदटी, जेहेतु 7 वर्डटी मैंगोस को क्वालिफाई करुछि माने विशेषित करुछि, सेतपई 7 एठारे गोटे एडजेक्टिव हिजबो, विशेषण पद हिजबो। सो हेर करेक्ट आंसर दि होछि ऑप्शन सी। गेव वर्ब हिजबो, जॉन बी नाउन हिजबो, जॉन मध्ये एठारे नाउन हिजबो, बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देछि, कैन यू प्लीज हेल्प मी पिक आउट डास बर्थडे प्रेजेंट फॉर माय ब्रदर। ऑप्शन ए आन, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी ए, ना ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो देखंतु बर्थडे को उच्चारण करंतु, कौन साउंड आसुछि, कंसोनेंट साउंड आसिबो। सो एर करेक्ट आंसर टी होछि ऑप्शन सी ए। कैन यू प्लीज हेल्प मी पिक आउट ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर माय ब्रदर, मो भाईर बर्थडे पई गिफ्ट को बाछिबा पई कौन किछ कौन मते हेल्प करि परिबो कि, बुझियौछि सेते पई ए आर्टिकल यूज हेगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देछि, दास प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल बी विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक। ऑप्शन ए आन, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी ए, ना ऑप्शन डी नो आर्टिकल। देखंतु यूनाइटेड स्टेट्स रो प्रेसिडेंट को कथा कहा जाइछे, तो पर्टिकुलर प्रेसिडेंट को कथा कहा जाउछि जे यूनाइटेड स्टेट रो प्रेसिडेंट, सेथि पय एठारे द आर्टिकल यूज हे जिवो। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक। ऑप्शन ए सी डी एलिमिनेट हिजिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। एबे क्वेश्चन नंबर 8 देखंतु। क्वेश्चन नंबर 8 देछि, जेन वाज टेक्स्टिंग हर सिस्टर डास द टीचर वाज टीचिंग। ऑप्शन ए अंटिल, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी व्हाइल, ऑप्शन सी ऑफ, ना ऑप्शन डी फॉर। करेक्ट आंसर टी हिजिवे ऑप्शन बी व्हाइल। जेन वाज टेक्स्टिंग हर सिस्टर व्हाइल द टीचर वाज टीचिंग।
ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ପଢ଼ାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜେନ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ତା ସିଷ୍ଟରକୁ ମେସେଜ କରୁଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ପଢ଼ାଉଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କରୁଥିଲା। ତ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଦୁଇଟି କାମ ଏକାଥରେ ହେଉଛି, ତ ସେଠାରେ ହ୍ୱାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଯଦି ଦୁଇଟି କାମ ଏକାଥରେ ହେଉଥାଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଆ କରୁଥିଲି ସେ ସେତେବେଳେ ସେଇଆ କରୁଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ହ୍ୱାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9 ଦେଇଛି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ୱାକ୍ ସୋ ହି ବିଗାନ୍ ମୁଭିଂ ସ୍ଲୋଲି ଡାଶ୍ ଦ ଟାଉନ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଫର୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଣ୍ଟିଲ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି 2 hours ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି 8। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ୱାକ୍, ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ୱାକ୍। ସୋ ହି ବିଗାନ୍ ମୁଭିଂ ସ୍ଲୋଲି, ତେଣୁକରି ସେ ଯାଉଛି ସ୍ଲୋଲି, 2 hours ଦ ଟାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ଟାଉନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ସହର ଆଡ଼କୁ, ସେଥିପାଇଁ 2 hours ଦ ଟାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଫର୍ ହେବନି, ଫର୍ ତ ପାଇଁ, ଅଣ୍ଟିଲ୍ ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ, ଆର୍ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ଲେସ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟ ବସିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 ଦେଇଛି, ହି ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଡାସ୍ ଦାନ୍ ହିଜ୍ ସିଷ୍ଟର। ଅପ୍ସନ୍ ଏ କେୟାରଫୁଲ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମୋର୍ କେୟାରଫୁଲି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମୋଷ୍ଟ କେୟାରଫୁଲି, ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ଦାନ୍ ଅଛି ନା, ତ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀର ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ, ସୋ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି ମୋର୍ କେୟାରଫୁଲି। ସି ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ମୋର୍ କେୟାରଫୁଲି ଦାନ୍ ହିଜ୍ ସିଷ୍ଟର। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସି ଡି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11 ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11 ଦେଇଛି, ସିଲେକ୍ଟ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ଇଡିୟମ୍। ଗିଭେନ୍ ଇଡିୟମ୍ଟି ଦେଇଛି ଥ୍ରୋ ଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିନ୍, ଏହି ଇଡିୟମ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅନ୍ଲି ଆସିଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇନ୍ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଟାଇମ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ୱିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲନ୍ଲି, ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହବ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଟ୍ରାଇଂ ଟାଇମ୍ସ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସେଠି ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇନ୍ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଟାଇମ୍ସ, ସେଟା ହେଉଛି ଥ୍ରୋ ଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଥ୍ରୋ ଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିନ୍ ଇଡିୟମ୍ର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ଇନ୍ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଟାଇମ୍ସ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସି ଡି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 ଦେଇଛି, ୱାନ୍ ହୁ କିୟର୍ଡ ଆଇ ଡିଜିଜ୍। ୱାନ୍ ୱାର୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯିଏକି ଆଇ ଡିଜିଜ୍କୁ କିୟର୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ। ଅପ୍ଥାଲମୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଫୋନୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନନ୍। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଟି ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅପ୍ଥାଲମୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ସୋ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଟି ହେଇଗଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସି ଡି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଖି ଖରାପ ହେଇଥାଏ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଅପ୍ଥାଲମୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅପ୍ଥାଲମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 ଦେଇଛି, ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ କଲିଂ ୟୁ ଡାସ୍ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଫର୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସିନ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବଥ୍, ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ତୁମକୁ କଲ୍ କରୁଛି, ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ କଲିଂ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ କ'ଣ, ଗୋଟେ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି, ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଫର୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ର ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ, ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ କଲିଂ ୟୁ ଫର୍ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍। ଅପ୍ସନ୍ ବି ସି ଡି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯିବ। ସିନ୍ସ କେଉଁଠାରେ ୟୁଜ୍ ହେବ, ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସିନ୍ସର ୟୁଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14 ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14 ଦେଇଛି, ସିଲେକ୍ଟ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ୱାର୍ଡ଼। ଗିଭେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟି ଦେଇଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ବା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଷ୍ଟାଟିକ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅନ୍ଚେଞ୍ଜିଂ, ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟିଂ। ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯିବ ମାନେ ଷ୍ଟାଟିକ୍, ସ୍ଥିର ହେଇଯିବା, ଅନ୍ଚେଞ୍ଜ ହେବା, ତାହେଲେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟିଂ ହେଇଯିବା, ସୋ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେବା ମାନେ ବୁଝିହେଉଛି ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ ହେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15 ଦେଇଛି, ସିଲେକ୍ଟ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସିନୋନିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ୱାର୍ଡ଼। ଗିଭେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟି ଦେଇଛି ରିଟାଲିଏଟ୍, ରିଟାଲିଏଟ୍ର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଫାସିଲିଟେଟ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରୋଟେଟ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରିଆକ୍ଟ, ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି କ୍ଲାପ୍। ରିଟାଲିଏଟ୍ର ସିନୋନିମ୍ ବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ରିଆକ୍ଟ, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ହଠାତ୍ କି ରିଆକ୍ଟ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ରିଟାଲିଏଟ୍। ଓକେ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବି ଡି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଫାସିଲିଟେଟ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଫାସିଲିଟି ଦେବା, ସେଇଟା ଫାସିଲିଟେଟ୍, ରୋଟେଟ୍ ମାନେ ଘୁରିବା ବା ବୁଲିବା ଜାଣିଛନ୍ତି, କ୍ଲାପ୍ ତ ତାଳି ମାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16 ଦେଇଛି, ହି ସେଡ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ ଟୁମରୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାରେସନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଗଲା, ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ ପାଷ୍ଟରେ ରହିଲା, ସେଡ୍ ଅଛି ମାନେ ପାଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ ପାଷ୍ଟରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍ ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟରେ ରହିଯିବ। ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ ଟୁମରୋ, ଦେଖନ୍ତୁ ୱିଲ୍ ଅଛି ନା, ୱିଲ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଉଡ଼ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଟୁମରୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଟୁମରୋର ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଡିରେ ଅଛି ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବି ଟୋଟାଲି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯିବେ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଟୋଟାଲି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯିବେ, କାହିଁକି ନା ଟୁମରୋ ଦେଇଦେଲା। ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେବ ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ହି ସେଡ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ ଟୁମରୋ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେରିବି।
ताहले आमे कहिबा जे से कहिला जे से आसंदा काली फेरिबो बुझियो जे ताले कोन हेबो ना आई होउची ही अनुसार चेंज हे जिवो त ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे हेबो ना आई वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे हे जिवो ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे हे जिवो सो हेर करेक्ट आंसर टी होउची ऑप्शन सी ही सेड दैट ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 देछि द ड्रू ए सर्कल देखंतु एक्टिव पैसिव वॉइस रो क्वेश्चन आसेला ड्रू अछि वर्ब को देखंतु ड्रू अछि माने वी टू फॉर्म अछि जेहेतु वी टू फॉर्म अछि वी टू फॉर्म थिले कोन हेते पैसिव रे कन्वर्ट करले वाज किंबा वेयर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हेते देखंतु वाज वेयर वर्ब थर्ड फॉर्म केउ ऑप्शन अछि ऑप्शन ए रे नाही एलिमिनेट करंतु बीइंग दे देलानी ऑप्शन सी रे वाज ड्रॉन देछि ड्रॉ ड्रू ड्रॉन ताले वर्ब थर्ड फॉर्म दे देला सो हेर करेक्ट आंसर टी होछि ऑप्शन बी ए सर्कल वाज ड्रॉन बाय देम एवं एठारे सब्जेक्ट होछि दे ऑब्जेक्ट होछि ए सर्कल ताले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह को देखो आ सर्कल देन वाज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म तापर बाय देम हिजिव देटा कोन हिजिव बाय देम रे कन्वर्ट हिजिव ऑप्शन सी डी भी एलिमिनेट हिजिव काहे ना हैव बीन दे देला हैज बीन दे देला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 देछि रानी शेड आई सॉ द फोटोग्राफ देखंतु अगेन नरेशन क्वेश्चन आसी गला शेड अछि माने पास्ट अछि रिपोर्टिंग वर्ब ताले रिपोर्टेड स्पीच मध्ये पास्ट रहिबो देखंतु रिपोर्टेड स्पीच रे सो देछि वी टू अछि वी टू थिले केउथरे चेंज हेबो वी टू थिले हार्ड प्लस वी थ्री हेथाय वी वन होउछि वी टू रे हेथाय नरेशन कथा कहउछि वी वन वी टू रे कन्वर्ट हेथाय वी टू थिले हार्ड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हेथाय एवं हार्ड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म जदि देथिबो ताले कोनोसी भी चेंज हे नथाय माने नो चेंज हेथाय ओके जेहेतु वी टू देथिला सेति पय हार्ड प्लस वी थ्री हेजिवो देखंतु केउ ऑप्शन ए हार्ड प्लस भित्री अछि ऑप्शन ए रे नाही तो टोटली एलिमिनेट करंतु ऑप्शन बी देछि हार्ड सीन सी सो सीन ताले सीन होछि वर्ब थर्ड फॉर्म सो हेर करेक्ट आंसर टी हिजिव ऑप्शन बी रानी सेड दैट सी हैड सीन द फोटोग्राफ बुझियला ऑप्शन सी काहे के एलिमिनेट हेला देखंतु ऑप्शन सी रे देछि द फोटोग्राफ वाज सीन बाय हर वाज सीन दे देला ऑप्शन डी देखंतु हैड सीन हैज बीन सीन दे देला सेति पय एलिमिनेट हिजिव नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एबे क्वेश्चन नंबर 19 देखंतु क्वेश्चन नंबर 19 देछि माय टीचर हैज बीन सिक डैश लास्ट मंडे ऑप्शन ए सिंस ऑप्शन बी फॉर ऑप्शन सी बोथ ना ऑप्शन डी नॉन देखंतु लास्ट मंडे अछि लास्ट मंडे रो मो टीचर सिक अछन्ति असुस्थ अछन्ति त लास्ट मंडे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे देला सेति पय जेहेतु पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे देला जेहेतु पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे देला सेति पय सिंस रो यूज हे जिवो सिंस प्रीपोजिशन रो यूज हे जिवो माय टीचर हैज बीन सिक सिंस लास्ट मंडे ऑप्शन बी फॉर हबनी जदि पीरियड ऑफ टाइम देथंदा ताले फॉर प्रीपोजिशन रे यूज हेथंदा ऑप्शन सी बोथ तो हबनी जदि सिंस आंसर हे गला फॉर जदि एलिमिनेट हे गला बोथ के परि हेबो उभय तो हबनी किबा ऑप्शन डी मध्ये हबो नै बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एबे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 देछि द रेड बार्ड सिंग्स डस ऑप्शन ए लाउड और ऑप्शन बी लाउडली ऑप्शन सी लाउडेस्ट ना ऑप्शन ए नॉन ऑफ दिस देखंतु रेड बार्ड टी सिंग्स जोरे गाउछि ताहले ये कौन सिंग्स सेठारे होची भर विषय जे अधिक तथ्य दब सी होची आडभर्ब हिजबो माने लाउडली गाउची ताले आडभर्ब को आमे बसेबा सो हर करेक्ट आंसर टी हिजबो ऑप्शन बी लाउडली सिंग्स लाउडली आडभर्ब होची भर विषय रे अधिक तथ्य देथाय किपरे गाउचे ना लाउडली गाउचे सो हर करेक्ट आंसर टी हेगला ऑप्शन बी ऑप्शन ए लाउडर हबनी ऑप्शन सी लाउडेस्ट हबनी किबा ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस मध्ये हबनाय द रेड बार्ड सिंग्स लाउडली आज मॉक टेस्ट टी एट हेड हो जाए जदि आपको मॉक टेस्ट गुड़ी भल लगे निहाती लाइक करेंगे चैनल को शेयर करेंगे सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होते हैं जहाँ फल आप क्लास नोटिफिकेशन ठीक टाइम सहित ठीक टाइम देखिपारे ओके थैंक यू।